कोई रोको ना इनको, ये सूरज से मिलने को निकली, कोई टोको ना, ये तो खुद अपनी मंजिल है। अनुज सेठी, जी कहिए। अनुज सेठी, मिस्टर अनुज, आपके लिए कोर्ट से डिवोर्स का नोटिस भेजा गया। कहाँ साइन करना है? अनुज, पागल हो गए क्या तू? अगर अनीता नादान है, लेकिन तू तो समझदार है। आप प्लीज ये पेपर्स ले जाइए। नकुल बेटा, खाना खा के जाइए, खाना तैयार है। काका, हम लेट हो रहे हैं, हमारी मीटिंग है चनक्यपुरी में, इसलिए आज हम ऑफिस भी नहीं जा रहे। ठीक। हेलो, फाइल्स पहले शर्मा जी को भिजवाइए, इनकम टैक्स ऑफिस कल भी भेजी जा सकती है, वहां कोई नया ऑफिसर आया है, पहले हम उससे मिलेंगे, समझे? अगर आज नकुल जी ऑफिस नहीं जा रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी तो देखूं कि उस ऑफिस में ऐसा कौन सा काम है जो ओमी जी नहीं समझ सकते। अनुज, तुम मेरे साथ चल रहे हो? पढ़ना मेरा वकील आएगा यहां। दो साल तक हमने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा, हौसला नहीं टूटने दिया एक दूसरे का, क्योंकि हम एक दूसरे से प्यार करते थे, शादी करना चाहते थे। दुनिया की कोई ताकत हमें शादी करने से नहीं रोक सकती अनुज, यही कहती थी ना तू? तो अब क्या हुआ अनीता? इतनी आसानी से तुमने मुझे डिवोर्स पेपर्स भिजवा दिए? क्या इतना आसान है तुम्हारे लिए मेरा साथ छोड़ना? साथ तुमने छोड़ा है अनुज, तुमने साथ छूटने क्यों दिया अनीता? कभी खुद भी सोचा है कहीं तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार कम तो नहीं हो गया? प्यार तो तुम्हारे दिल में कम हुआ है अनुज, अनुज बहुत उदास है, मुझे ही कुछ करना होगा, मैंने ही तो इन दोनों की शादी करवाई थी, ये बात मैं कैसे भूल सकती हूँ? अब मैं ही कुछ करूंगी।
मम्मी जी आप इतना डर डर के क्यों चल रहे हैं? नीतू जी आपको पक्का पता है ना कि नकुल भैया आज ऑफिस में नहीं है। वो उन्होंने हमें ऑफिस आने से मना किया था ना, इसलिए। आपको क्या लगता है मम्मी जी, मैं आपको यूं ही यहां ले आऊंगी? चलिए। अरे उम्मीद साहब, नमस्ते। आप यहाँ? हम मैनेजर अंकल से मिलने आए हैं। वो शर्मा जी? जी। वो शर्मा जी तो ऑफिस में नहीं है मैम, लेकिन थोड़ी देर में आ जाएंगे। आइए ना सर, आइए बैठिए। चलिए। आइए बैठिए, आइए 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 मैम आइए। आप यहां क्या कर रही हैं? सॉरी लेकिन यहां आग लगाना थोड़ा मुश्किल है, ये मेरा घर है ना। मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले जाने आई हूं अनीता। ये मेरा ही घर है सिमिधि। नहीं अनीता, तुम्हारे पति का घर ही तुम्हारा घर है। जो अब भल्ला का हो गया है, ये मिडिल क्लास लोग भी ना आखिरी सांस तक लड़ते ही रहते हैं। अपने घर चलो अनीता, प्लीज। ये नाटक यहां नहीं चलेगा सिमिधि। वैसे भी मेरे पति के घर में तो आपका राज चलता है, क्यों लेने आए हैं आप मुझे यहां? वहां और बेइज्जत होने के लिए। आज अगर मैं बाहर हूं ना सिमिधि, तो वो भी आपकी वजह से। अनीता तुम्हें मुझे जो कहना है कह लो, जितना कोसना है कोस लो, लेकिन रिश्ते इस तरह नहीं निभाए जाते अनीता। अनुज तुम्हारा पति है, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। घर में जो कुछ भी हुआ, जिस वजह से हुआ, जिसलिए हुआ, कहीं ना कहीं उसमें तुम्हारा भी हाथ है और तुम ये बात जानती हो। जो हो से छोड़ो, हमारे घर में बहुत बड़ी मुसीबत आई हुई है और ऐसे में परिवार का एकजुट होना बहुत जरूरी है। मैं इसी हक से तुम्हें घर ले जाने आई हूं। सिमिधि, अनुज ने मुझे गुस्से में कहा, उसने जो कुछ भी कहा उसने गुस्से में कहा। वो तुम्हारा पति है अनीता, तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम ही अनुज को टूटने से बचा सकती हो, एक नई शुरुआत करने में मदद कर सकती हो। उसे तुम्हारी बहुत जरूरत है, उसकी शक्ति बनो, उसका सहारा बनो। प्लीज घर वापस लौट आओ। कितना सुकून मिल रहा है मुझे आपको ऐसे गिड़गिड़ाते हुए देखकर। अगर ऐसा है ना तो ऐसा ही सही। मैं उस घर में रहकर भी आपका जीना हराम कर दूंगी, चाहे जो हो, अपने अपमान का बदला तो मैं लेकर ही रहूंगी। प्लीज। ठीक है सिमिधि, लेकिन ये मेरी तरफ से आखिरी मौका है। आप जानती हैं नीतू जी, हमारे बाबूजी ने जब से कंपनी शुरू की, मैनेजर साहब तब से उनके साथ, नकुल भैया भी उन पे बहुत भरोसा करते हैं। उनके चेक किए बिना ऑफिस से कोई कागज, कोई पेपर कभी नहीं जाता। हेलो। हाँ सर श्याम सर, वो मैंने वो जो पेपर हैं आपकी टेबल पर रख दिए हैं, जिस पर नकुल सर और ओमी सर के सिग्नेचर होने हैं। हाँ जी सर। यस सर जी। सुनिए जी, आप यहाँ काम करते हैं? जी हाँ। और आप?
ये नकुल सिंह डागर के छोटे भाई हैं। ओमी सर? जी, और मैं इनकी पत्नी। सॉरी सर, सॉरी मैम। चाय, कॉफी? ठीक है ठीक है, दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। यस मैम। सुनिए, जाते हुए पानी भिजवा देना। जी। कितने घबरा गए थे वो, आपने तो उन्हें डरा ही दिया। डर नहीं चाहिए। मिले बेटा, आलू हो जाए तो दाल चढ़ा देना। हम्म, मिली? हाँ चिट्ठी। चिट्ठी माँ? क्या बात है बेटा? कुछ नहीं। देख बेटा, जो हुआ वो सब भूल जा। तू तो इस घर की बहादुर बच्ची है ना, अब देखना सिम्मी ने कैसे अकेले ही, एक तू ही तो है जिस पर सिम्मी भरोसा करती है, तू ही तो है ना जो सबका ख्याल रखती है। हम्म, शाबाश। मैं देखता हूं। हम्म, अनुज, अनीता को मैं यहां पे लाई हूं। किस लिए दी? इससे कह दो कि वापस चली जाए अपने बाप के घर। और इस घर में इसके लिए कोई जगह नहीं है। अनुज, अनीता को अपनी गलती का एहसास है, डायवोर्स मांगने नहीं आई है। तो मैं दे देता हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? चलो निकलो यहां से, निकलो यहां से। आंटी जी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? चलो निकलो यहां से, निकलो यहां से। आंटी जी, आंटी जी रोकिए ना अनुज को। आंटी जी मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, मुझसे गलतियां हुई हैं, लेकिन मैं अभी भी अनुज की पत्नी हूँ। जब आपका बेटा माफी के हकदार है तो बहू क्यों नहीं? घर की बहू? मेरी पत्नी? अगर मैं गलत कर रहा था तो क्या तुम्हें मुझे रोकना नहीं चाहिए था? उल्टा तुमने मुझे और भड़काया। क्या यही कर्म था एक पत्नी का, इस घर की बहू का? आंटी जी, आंटी जी रोकिए ना अनुज को। आंटी जी ये मेरा भी घर है, मैं कहाँ जाऊंगी? मैं अक्षय जी से भी माफी मांगने को तैयार हूँ। आंटी जी प्लीज मुझे एक मौका दीजिए। अनुज, मैंने अनीता को यही समझाया है और तुझे भी मैं यही समझा रही हूँ। रिश्ते ऐसे नहीं तोड़े जाते, गलती तुम दोनों से हुई है। तुम दोनों को सहारा बनके वो गलतियां सुधारनी है, एक दूसरे को मौका देना है, कोशिश करनी है। माँ, आप इस तरह मुंह फेर के नहीं जा सकते। गलतियां इंसानों से होती हैं, हम सब गलती करते हैं, लेकिन अगर घर वाले हमें माफ ना करें तो हम बाहर वालों
यहाँ से क्या आशा रखेंगे माँ? दी, आप भले ही इसे इस घर में रहने दें, लेकिन मैं इसे पत्नी का दर्जा नहीं दूंगा। टेंशन मत लो, वक्त सब कुछ ठीक कर देगा। तुम दोनों को एक दूसरे को समझना होगा, एक दूसरे का सहारा बनना होगा। बनोगे? मिली, चल पापा जी की मालिश करनी है ना, एक्सरसाइज भी करानी है, चल आओ अनीता। ओबी ऑफिस में है? जी सर, उनकी भाई भी साथ में आई है। भाई, तुमने मेरी टेबल पे रखी है ना? जी 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 सर। आप बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। बिल्कुल पापा जी, अब हम आपको बाहर ले जाएंगे, आप ताजी हवा खाओगे, बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, है ना पापा जी? अंकल कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। नीतू जी, यही हमारे मैनेजर। नमस्ते शर्मा। नमस्ते, बैठिए उम्मीद जी। उमी जी, आपको भूख नहीं लगी? मुझे तो बहुत भूख लगी है। हाँ, भूख तो हमें भी लगी है, हम अभी कुछ लेके आते। अभी बेटा, मैं पीएन को भेज देता हूँ। आप क्यों तकलीफ? नहीं 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 नहीं, कोई जरूरत नहीं है। देखिए ना, इसी बहाने आप ऑफिस में सबसे मिल भी लेंगे, है ना? कम से कम जो लोग उन्हें पहचानते हैं उनसे तो मिल ही सकते हैं ना? हाँ, तुझे बिल्कुल ठीक कह रही, हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं, हम अभी कुछ लेके आते। मुझसे तो झूठ बोलने की जरूरत है नहीं शर्मा जी, इन पेपर्स के मुताबिक साफ साफ पता चलता है कि नकुल जी सारा पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। ओमी जी का भी, नीतू बेटा, ओमी को मैंने बचपन में अपने हाथों से पाला है, उसके पिताजी मेरे बचपन के दोस्त थे, मालिक बाद में थे, लेकिन बेटा मेरी दो बिन बिहाई बेटियां हैं, इस उम्र में मैं नौकरी नहीं गंवा सकता, वो तुम समझ रही हो ना? अगर नकुल को इसके बारे में कुछ भी पता चल गया तो मैं अपनी नौकरी गंवा बैठूंगा। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अब बस मुझे इतना बताइए कि ये घोटाला कब से और कैसे चल रहा है। ठीक है, अगर आप नहीं बताना चाहते तो बेटा, ये कहानी तब शुरू हुई जब
ओमि के माता पिता का स्वर्गवास होता है। सर नमस्ते, ओमी जी और नीतू जी आए हुए हैं। ओमी ऑफिस में? हाँ जी सर,